नमस्कार, आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। जितने भी प्रतिनिधि है और जो प्रतिनिधि बनना चाहते हैं 2024, 25, 26 या आगे के चुनावों में, कोई भी जिला प्रमुख या सरपंच या प्रधान बनने का सपना देख रहे हैं तो उनका जो है सपना साकार होगा दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी है कि आप सरपंच किस प्रकार बन सकते हो, आप प्रधान किस प्रकार से बन सकते हो, आप जिला प्रमुख किस प्रकार से बन सकते हो और आपको सैलरी कितने मिलने वाली है। 1 अप्रैल 2024 नए नियम लागू हो गए हैं और सैलरी बढ़ चुकी है। चाहे सरपंच हो, चाहे जो है आपका पंच हो, प्रधान हो, सबकी सैलरी बढ़ा दी गई है। ये आप सभी प्रतिनिधियों को जो है बहुत बहुत बधाई हो। चलिएगा दोस्तों, अब आप जो है महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मेरे जानकार भी, और बहुत सारे लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि सर हमें बताइए कि कितनी सैलरी मिलती है सरपंच बनने के बाद, प्रधान बनने के बाद या जिला प्रमुख बनने के बाद। तो चलिए आप लोगों को बता देता हूं बड़ी खबर इस वक्त की। यहां पर देख सकते हो आप लोग कि यहां पर लिखा हुआ है सब साफ साफ, राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग। ये अपडेट अभी लेटेस्ट अपडेट है और ये लागू हो रहे हैं दोस्तों। ये कब से लागू होंगे? ये दरें 1 अप्रैल से लागू होगी। साफ साफ लिखा हुआ है कि दिनांक 14/3/2024 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है। ये आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2024 से जो है लागू होंगे राज्यपाल के आदेश से। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है सभी प्रतिनिधियों के लिए और आने वाले प्रतिनिधियों के लिए। तो जन प्रतिनिधि का नाम, वर्तमान में कितना पैसा मिल रहा है और आगे जो है 1 अप्रैल से कितना पैसा मिलने वाला है, बड़ी अपडेट। देखो जिस प्रकार जिला प्रमुख, जिला परिषद, तो इनको सैलरी अभी मिलती है 13,800 रुपये, परंतु अब बढ़ चुके हैं क्योंकि दोस्तों महंगाई का दौर है, तो जनप्रतिनिधि के पैसे भी बढ़ना बहुत ज़रूरी था भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि के जो है, जिला प्रमुख, जिला परिषद के जो आप पैसे हो गए हैं 15,180 रुपये दोस्तों मिलेंगे प्रति माह। कितने रुपये? 15,180 रुपये प्रति माह मिलेगा जिला प्रमुख को, जिला परिषद। उसके अलावा प्रधान की बात करें पंचायत समिति में, प्रधान की बात करें पंचायत समिति में, तो उसको अभी पैसे मिलते हैं 9,660 रुपये। कितने? 9,660 रुपये मिलते हैं। अब बढ़कर के हो गए 10,626 रुपये। कितने? 10,626 रुपये हो गए हैं बढ़कर के। बात करें सरपंच, जो कि ग्राम पंचायत में होता है मित्रों, उसकी सैलरी होती है 5,520 रुपये होती है, 5,520 रुपये होती है सैलरी, परंतु अब बढ़कर के हो गए हैं 6,072 रुपये। कितने? 6,072 रुपये हो गए हैं। ये नई सैलरी जो लागू हो जाएगी, ये 1 अप्रैल 2024 से इतनी सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और जो है सरपंच हो या प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, और किसी भी जनप्रतिनिधि आप बनना है, आप विधायक बनना चाहते हो, आप लोकसभा का प्रत्याशी बनना चाहते हो, और आप इनकी भी क्वालिफिकेशन वगैरह जानना चाहते हो कि हम किस प्रकार से नामांकन दर्ज कर सकते हो, किस प्रकार से हम बन सकते हैं और किस प्रकार से जनता को लुभाना पड़ेगा, ये सब जानकारी जानना चाहते हो तो मुझे तुरंत कमेंट कीजिए। आपकी जो भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर मैं वीडियो बना दूंगा। आपको जानकारी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।